Hello guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Dishant and you are watching my YouTube channel Learn English with British. Okay, so aaj ek naye lesson ki shuruaat karne ja rahe hain. So please guys, sit back, relax and watch my video till the end. आज का जो लेसन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. तो जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है स्टाइलिश वर्ड्स. यस गाइस, आज हम स्टाइलिश वर्ड्स की बात करने वाले हैं. बेसिकली हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्टाइलिश वर्ड्स का यूज करते हैं. लाइक वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, बट होता क्या है जब हम इंग्लिश को बोलते हैं इंग्लिश में लाइक ट्रेडिशनल वर्ड्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है. लेकिन आज जो मैं वर्ड्स बताऊंगा आपको, उनको आप यूज करके अपनी वोकैबुलरी को एक्सपेंड कर सकते हो और एक अपनी इंग्लिश को अच्छा भी बना सकते हो गाइस. सो जल्दी से देखिए, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है स्टाइलिश वर्ड्स, उसके नीचे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी. राइट, अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मींस कोई भी काम कितनी बार किया जा रहा है, रेपिटेशंस, एक काम को कितनी बार किया जा रहा है. तो बेसिकली वही मैं बताऊंगा कि लाइक एक काम को जब आप बोलते हो कि ये काम कितनी फ्रीक्वेंसी से किया जा रहा है, एक महीने में, एक साल में कितनी बार उस काम को किया जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं. जैसे कि ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, वो सारे वर्ड्स मैं बताऊंगा आप लोगों को. लेट्स टेक एग्जांपल. मूवी सभी लोग देखते होंगे, यू ऑल, मैं भी देखता हूँ, आप सभी लोग भी देखते हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने कहा कि आप एक महीने में कितनी बार मूवी देखते हो, तो इसका क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स, ऑब्वियस सी बात है कि लाइक कितनी बार कोई काम किया जा रहा है, तो हाउ मेनी टाइम्स का हम यूज करेंगे. मैंने कहा आप एक महीने में कितनी बार मूवी देखते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉच मूवी इन अ मंथ. राइट, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स की जगह एक नया वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे कि उसको हम बोलते हैं ऑफन. राइट, बेसिकली मैनी, हाउ मेनी टाइम्स की जगह हम ऑफन के यूज कर सकते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. मैंने कहा आप एक महीने में कितनी बार मूवी देखते हो, हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी इन अ मंथ. राइट, ये तो क्वेश्चन है हमारा. अब इसका आंसर हम कैसे देंगे, आंसर को मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा पूरा कि किस तरीके से डिफरेंटली कोई भी काम, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मूवी, अब एक महीने में आप कितनी बार मूवी देखते हो, उसको बताने के मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आप अपनी वोकैबुलरी को अच्छा बना सकते हो. लेट्स टेक एग्जांपल. मैंने कहा मैं एक महीने में एक बार मूवी देखता हूं, तो उसके लिए कैसे बोल सकते हैं आप? हम इस वर्ड का यूज करेंगे once. I watch movie once in a month. Right? Let's take example. Let's suppose दो बार movie देखता हूँ. Right? तो कैसे बोलेंगे आप इसको? दो बार के लिए आप बोल सकते हो twice. तो कैसे बोलना है? I watch movie twice in a month. Let's suppose तीन बार. तीन बार के लिए हम क्या use करेंगे? Thrice. मैंने कहा मैं एक महीने में तीन बार मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी थ्राइस इन अ मंथ. सो मैंने अभी आप लोगों को कुछ स्टाइलिश वर्ड्स बताए, एक बार के लिए वंस के यूज कर सकते हैं, दो बार के लिए ट्वाइस के यूज करेंगे, तीन बार के लिए थ्राइस के यूज करेंगे. लेट्स सपोज कोई इंसान अक्सर मूवी देखता है, कैसे इस सेंटेंस को बोलेंगे? मैंने कहा वो अक्सर मूवी देखता है, अक्सर के लिए हम ऑफन के यूज कर सकते हैं. यस, सही सुना आप लोगों ने, मैंने कहा वो अक्सर मूवी देखता है, ही वॉचेस मूवी ऑफन. हाँ, एक चीज और भी मुझे बतानी है यहाँ पे, ऑफन के दो प्रोनंसिएशन होते हैं. मेक श्योर, एक तो सिंपल तरीका है, हम टी को साइलेंट कर सकते हैं, ऑफन के यूज करते हैं, बट एक नया तरीका आया हुआ है, उसको हम यूज कर सकते हैं ऑफ्टन. राइट, तो कैसे यूज करेंगे? हाउ ऑफ्टन डू यू वॉच मूवी इन अ मंथ. राइट, इन द नेक्स्ट वर्ड वुड बी वेरी ऑफन. अब इसका यूज कैसे करना है? अक्सर, कुछ लोग बहुत ज्यादा मूवी देखते हैं, लाइक मैंने कहा कि वो बहुत ज्यादा मूवी देखता है, तो बहुत ज्यादा के लिए हम वेरी ऑफन का यूज कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैंने कहा वो बहुत ज्यादा मूवी देखता है, ही वॉचेस मूवी वेरी ऑफन. राइट, अब इसी का एक अपोजिट है, कोई इंसान, कोई भी लाइक पर्सन बहुत कम, कहते हैं ना एकदम बहुत कम कोई मूवी देखता है, तो उसको अपोजिट में अगर हम बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ही वॉचेस मूवी वेरी रेयरली. यस गाइस, एंड द नेक्स्ट वन वुड बी सेल्डम, बहुत कम. ये भी एक तरीका है बोलने का. मैंने कहा कि मैं मूवी देखता हूं बहुत कम, आई वॉच मूवी सेल्डम, आप सेल्डम का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड है आपका हार्डली एवर, शायद कभी, शायद कभी अगर मौका लग जाए तो मैं देख लिया मूवी, तब हम उस वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं. मैंने कहा मैं शायद ही कभी मूवी देखता हूं, आई वॉच मूवी हार्डली एवर, तो आप हार्डली एवर के यूज कर सकते हो चीज के लिए. और फ्रीक्वेंसी का अच्छी भी है, एक अच्छा तरीका आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट है आपके ऑफ एंड ऑन. अब इस वर्ड का यूज कैसे करते हैं? इस वर्ड का यूज आप कर सकते हो ऑफ एंड ऑन.
ऑफ एंड ऑन मीन्स कभी कभार. लेट सपोज कोई भी इंसान कोई काम को, मूवी को ही हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा वो मूवी कभी कभार देखता है. एक अगर मौका लग जाता है तो देखता है, नहीं तो नहीं देखता है. तो हम यूज कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन. लेट सपोज वो मूवी कभी कभार देखता है, ही वॉचेस मूवी ऑफ एंड ऑन. नेक्स्ट, यस, जो नेक्स्ट वाला है वो एक idiom है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग idiom है. लेट्स रीड इट, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं. वंस इन अ ब्लू मून. यस, वंस इन अ ब्लू मून. अब वंस इन अ ब्लू मून बेसिकली आपको लग रहा होगा कि लाइक मून की कैसी बात इसमें हो रही है. तो बेसिकली वंस इन अ ब्लू मून तो एक तरीके से idiom है, जैसे कि हमारा चांद जो होता है सदियों में नीला पड़ता है. तो सदियों में अगर नीला पड़ता है तो कोई भी काम बहुत ही कम हो रहा है, एकदम ना के बराबर, तब हम यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून. लेट सपोज मैं एकदम ना के बराबर मूवी देखता हूँ. आई वॉच मूवी वंस इन अ ब्लू मून. राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके नेवर. नेवर तो आप सब लोगों को पता ही होगा, कभी भी नहीं. कोई भी काम आप कभी नहीं करते हो तब हम यूज करते हैं नेवर का. मैंने कहा मैं कभी नहीं मूवी देखता हूँ. आई वॉच मूवी नेवर. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, इट्स क्वाइट फनी, ये थोड़ा सा फनी होने वाला है, डंकीज ईयर. अब डंकीज ईयर कोई भी काम आप सालों में करते हो, इट जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग, ये भी एक नया तरीका है बोलने का. तो इफ यू वांट टू स्पीक दिस वन यू कैन गो फॉर इट, आप इसको यूज कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर लैंग्वेज स्टाइलिश. लेट्स सपोज मैंने कहा मैं सालों में कभी मूवी देखता हूं. आई वॉच मूवी इन डंकीज ईयर. राइट, आई वॉच मूवी इन डंकीज ईयर. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेसन. आज आपको मैंने पढ़ाया है स्टाइलिश वर्ड्स. यस, तो आज मैंने स्टाइलिश वर्ड्स आपको बताए हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स. सो गाइज जस्ट गो फॉर दीज वर्ड्स एंड ट्राई टू यूज इट, यूज करिए अपनी लाइफ में. एंड आई होप यू हैव एंजॉयड. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जल्दी से जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.